NIT Uttarakhand is an institute of national importance. Really, is it? दो स्टूडेंट्स लैब करने के पर्पस से अपने हॉस्टल से निकलती हैं और हमारा जो कैंपस है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है और रास्ता है नेशनल हाईवे। जैसे ही वो नेशनल हाईवे पे चलती हैं उन्हें ये नहीं पता कि उनके साथ कुछ क्षणों में क्या होने वाला है। और होता ये है कि हमारी एक कॉलेज की एक छात्र नीलम मैम का बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया है जिसके लिए आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं। उन स्टूडेंट्स की कंडीशन इतनी क्रिटिकल है कि वो आज मौत और जीवन के बीच जूझ रही हैं, अपना रास्ता ढूंढने में लगी हैं। बीटेक करना तो दूर, वो अपने लाइफ में सरवाइव कर जाए वही बड़ी बात है। उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं कि इस बार हमें यहाँ से शिफ्ट होना है, हमें यहाँ नहीं रहना। रिकवर करना इतना मुश्किल है, हम लोग सिर्फ उनके लिए प्रे कर सकते हैं। उसको लेकर गए थे वहाँ पर एम्स ऋषिकेश। पहले उसको इमरजेंसी वार्ड में लेकर गए तो इमरजेंसी वार्ड में वहाँ पर बेड्स तक अवेलेबल नहीं थे तो हमें टेम्प्रेरी बेड पर उसको रखना पड़ा एक पूरी रात। फिर ड्रेसिंग वगैरह होनी थी तो ड्रेसिंग हुई स्टार्टिंग में, एंड जो ऑपरेशंस वगैरह थे वो मॉर्निंग 4 o'clock स्टार्ट हुआ बिकॉज उसको ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी जिससे क्लॉटिंग हो गई है उसके लंग्स में, जिससे ब्रीथिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जो कॉलेज था वो 2010 में स्टेब्लिश हुआ था और अब तक लेके 8 साल हो चुके हैं इसको यहाँ पर कोई भी बेसिक फैसिलिटीज यहाँ पर हमें प्रोवाइड नहीं की गई है। ये बात लास्ट ईयर जब हमने स्ट्राइक की थी तब भी उठाई थी कि अगर NH-58 पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, और अब क्योंकि वो चीज़ फाइनली हो गई है तो हमें जवाब मांगना है सरकार से। MHRD को हमारे पेरेंट्स ने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो हमारी वेलबींग और सिक्योरिटी के बारे में देखें तो उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं है, इसीलिए आज हम सारे यहाँ पर एक इनडेफिनिट स्ट्राइक पर बैठे हैं। हमारी मांग सबसे पहले तो ये है कि सरकार और कॉलेज पूरी तरीके से नीलम मैम को उनके मेडिकल ट्रीटमेंट में हेल्प करे, एक एक पैसे की और जो भी फैसिलिटीज मैम को चाहिए उन सब की। दूसरी मांग हमारी ये है कि हमें जल्द से जल्द टेम्प्रेरी शिफ्ट किया जाए यहाँ से किसी भी एक सेफ जगह पे, और हम लोग यहाँ पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक वी डोंट गेट दैट इम्पोर्टेंस वी डिजर्व।